बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन 9 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। अक्षय की इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। यह फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने जा रही थी, बाद में इस फिल्म की रिलीज डेट बदलकर 25 जनवरी कर दी गई। इसके बाद दोबारा फिल्म की रिलीज डेट में फेरबदल किया गया। अक्षय कुमार ने मंगलवार को अपनी अपकमिंग फिल्म पैडमैन की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर स्मृति ईरानी भी पहुंची। इस दौरान महिलाओं के पीरियड्स के दिनों में हाइजीन होने के टॉपिक पर पैनल डिस्कशन भी रखा गया। इस इवेंट पर फिल्म के डायरेक्टर आर बालकी, ट्विंकल खन्ना, राधिका आप्टे और एक्टिविस्ट अरुणाचलम मुरुगनाथम भी मौजूद थे। इसके बाद स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट पोस्ट किया। इस पोस्ट में इस इवेंट की कुछ तस्वीरें थे, जिसको कैप्शन देते हुए स्मृति ने लिखा, फिल्म पैडमैन की कास्ट के साथ इस पैनल डिस्कशन में भाग लिया, जिसमें ओरिजिनल पैडमैन अरुणाचलम मुरुगनाथम भी मौजूद थे। पिंक अविला की रिपोर्ट के अनुसार सोर्स के मुताबिक अक्षय कुमार एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। फिल्म की जो स्क्रीनिंग आज रखी गई वे खास कारण से रखी गई थी। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद अक्षय द्वारा इस बारे में बात की गई कि कैसे इस फिल्म के द्वारा दिए गए मैसेज को देश की हर महिला तक पहुंचाया जा सकता है। इस बाबत दूरदर्शन के लिए एक एजुकेशनल वीडियो भी तैयार किया जाएगा, सोर्स ने बताया। अगर यह प्रोजेक्ट पीएम और स्मृति ईरानी द्वारा पास कर दिया गया तो आर बालकी द्वारा 2 मिनट का एक वीडियो बनाया जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज देगा। इस वीडियो का मकसद होगा महिलाओं को सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना।